विषय के सूची को लेते हुए आज ये पत्रकार परिषद आयोजित की थी। इस पत्रकार परिषद से सभी पदवीधर मतदारों को जाहिर आह्वान और जागरूकता के लिए किया गया है। ये जाहिर आह्वान यही था कि पिछले समय बहुत सारे पदवीधर मतदार अपने नोंदनी करते हुए भी अपने मत देने से वंचित रहे, और इस वक्त जो घोषणा हुई है 6 नवंबर 2019 तक ये आखिरी दिन है पदवीधर मतदार नोंदनी का। इस विषय को लेके जो भी इस संदर्भ में पदवीधर नोंदनी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है, और हर पदवीधर सुशिक्षित मतदार इस पदवीधर को नोंदनी करना चाहिए, ये भूमिका के लिए लेके भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पदवीधर के नोंदनी करने के लिए पूरा सक्रिय है। ये पिछले वक्त कुछ लोगों ने जात पात धर्म का विषय लेके कुछ नोंदनियों को कुछ नोंदनी के फॉर्म भरे हुए फॉर्म गायब किए, जला दिए, और अच्छे अच्छे सुशिक्षित पदवीधर मतदारों को इस निर्णय में मतदानों से वंचित रखा है। वंचित रखने की भावना यही थी कि कहीं उन्हें अपयश ना मिले। आज भी वही दौर सरकार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की जो सरकार है, उनके सरकार में एक अच्छे काम इस राज्य में हुए हैं, ये मैसेज सब जनते तक पहुँचा है। फिर से विरोधक यही सिलसिला दोबारा करना चाहते हैं कि जो सही सुशिक्षित पदवीधर है उनको रुकाकर अपना विजय हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता सतर्क हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के घटना में लोकशाही के को मजबूत करने के लिए, इस देश को उत्कर्ष के लिए मत को नोंदना ये सर्वसुद्ध समझा है, और शिक्षित अपना मत नोंदेगा, इस देश के विकास के लिए मत नोंदेगा, इसलिए उससे कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये भूमिका को लेके हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और कुछ लोग इसके विरोध में जाके काम कर रहे हैं, मतदारों को मत नोंदने से वंचित कर रहे हैं, और ये वंचित करना देश के हित में नहीं है। इनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हो सकता है, ये देश के बारे में सही काम नहीं है, और ये काम कुछ टोलियां यहाँ कर रही हैं। हम फॉर्म भरते जा रहे हैं, और कोई भी अनपहचान व्यक्ति वो फॉर्म लेके जा रहा है और उसको गायब कर रहा है, और ऐसे कई तकरारें पदवीधर मतदार संघ के लोगों ने किया है कि हमारे फॉर्म हमने भर के दिए फॉर्म हमारे मत के लिए नोंदे नहीं जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इसकी तकरारी बहुत सारे बढ़ने की वजह से ये जाहिर आह्वान पदवीधर मतदार को भी और आप सभी पत्रकार भाइयों को भी करना था कि आप जनता को लोकशाही मजबूत करने के लिए सही इंसान के पास अपने फॉर्म जाने के लिए आप प्रवृत्त करें, और उनको प्रेरणा दीजिए, उत्साह बढ़ाइए इसमें, और सही माध्यम से सही जगह उनका फॉर्म जाना चाहिए और उनका मत नोंदने जाना चाहिए। ये भूमिका से हम काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके सहकार्य बहुत जरूरी है। फिर से मैं आपका आरोप सतीश चौहान पर है क्या? ये देखो, हम एक ही उम्मीदवार विरोध में नहीं समझते, अभी बहुत सारे उम्मीदवार इसमें हमारे विरोध में उतरने वाले हैं, तो जो जो उम्मीदवार विरोध में उतरते हैं वो अपने यशस्वी के लिए जो भी गलत काम कर रहे हैं उसको रोक लगाने के लिए ये पत्रकार परिषद है, और आपसे भी अनुरोध किया जाता है कि आप लोगों को हौसला बढ़ाइए। कितने ऐसे फॉर्म है जो रिजेक्ट हो गए आपका जो आरोप है? तो ये 18 एक सर्वे किया गया था पिछले टाइम, जो 18,000 फॉर्म गायब हो चुके हैं और उनकी नोंदनी नहीं हुई है, और वो 18,000 लोगों ने सही थे, फॉर्म भर के दिए थे और सही तरीके से भर के दिए थे, तो भी इसमें ये सर्वे में ये मालूमात पड़ी है।